बीजेपी के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने आए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भोपाल में कहा, युवा पीढ़ी को पार्टी की विचारधारा से परिचित कराने में इस प्रशिक्षण वर्ग से सहूलियत होगी। इसके अलावा सरकार की योजनाओं, पार्टी की रीति नीति से भी युवा अवगत होंगे। उन्होंने कहा, अभी इस प्रशिक्षण में चुनाव संबंधी कोई एजेंडा नहीं है। इस दौरान उन्होंने लव जिहाद सहित अन्य मुद्दों पर भी जानकारी ली। इस दौरान वे कांग्रेस पर निशाना साधना नहीं चूके। एक निश्चित समय से 23 तारीख से लेकर के 15 तक सारे मंडलों में मध्य प्रदेश के अंदर 2 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम पूरा होगा और इसमें हमारे विचारधारा है, सरकार की योजनाएं हैं, हमारे राष्ट्रीयता के बहुत सारे विषय हैं, हमारे सारे विषयों को लेकर के इन प्रशिक्षकों के अंदर चर्चा होती है। और जो नए लोग हैं, खासतौर से जो मंडल की हमारी कार्यकारिणी है और उस मंडल कार्यकारिणी के अंदर जो नए लोग आ रहे हैं, युवा हैं, उनको इस पूरी पार्टी की विचारधारा के बारे में जानकारी होना चाहिए और हमारे जो विषय प्रवर्तक होते हैं वो उन पर बातचीत करते हैं, सीधे डायलॉग करते हैं और इस प्रकार की व्यवस्था है। देखिए, सरकार के योजनाओं से संबंधित विचारधारा है, पार्टी के विस्तार के बारे में, ऐसे अलग अलग विषयों पर अलग अलग विषय प्रवर्तक होंगे, पर मोटे तौर से पार्टी के विस्तार के बारे में, पार्टी संगठन के बारे में, इसको और कैसे प्रभावी बना सकते हैं, ये सारे विषय इस पे हम लोग बात करते हैं और यही हमारे विषय होते हैं। राजधानी भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एमपी और अन्य राज्यों के उपचुनाव के साथ बिहार में जीत को बीजेपी की नीतियों की विजय बताया है। उन्होंने कहा, एमपी में सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व को उन्होंने जीत का आधार बताया। वहीं बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग को उन्होंने पार्टी की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बताया है। वहीं कांग्रेस में कपिल सिब्बल विवाद पर उन्होंने कहा, कांग्रेस को आत्मावलोकन करना चाहिए। वहीं उन्होंने राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार को सीएम शिवराज का विशेषाधिकार बताया है। देश भर में चुनाव हुए, इसमें बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी विजय हासिल की है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ और जनता जनार्दन का आभार प्रकट करता हूँ। यह जीत भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है। नरेंद्र मोदी जो हमारे नेता हैं, उनके प्रति जो अगाध विश्वास जनता का है, उसकी जीत है। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के यशस्वी नेतृत्व की जीत है। यहाँ तक प्रशिक्षण का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण एक निरंतरित प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित, सिद्धांत आधारित और विचार आधारित राजनीतिक दल है। हर श्रेणी के कार्यकर्ताओं का समय समय पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता रहता है और इस बार जो प्रशिक्षण का आज कार्यक्रम हो रहा है, उसमें जो प्रमुख प्रशिक्षक हैं उनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम आज हुआ है। इसके बाद ये सारे के सारे लोग नीचे मंडल स्तर तक जाएंगे और मंडल के जो नए कार्यकर्ता मंडल की कार्य समिति में इस बार जुड़ रहे हैं, उन सबको विचार की दृष्टि से प्रशिक्षित करने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ, जब कपिल सिब्बल साहब ने कह ही दिया है तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत क्या है। कांग्रेस को आत्मलोकन करना चाहिए, ये कांग्रेस के लोग ही अगर महसूस कर रहे हैं तो कांग्रेस के नेताओं को समझ में आना चाहिए। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार करना केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का अधिकार है, राज्य में मुख्यमंत्री जी का अधिकार है। जब उनको उपयुक्त लगेगा तो वो सभी संबंधित लोगों से विचार विमर्श करके निर्णय लेंगे।